तो दोस्तों कहा जा रहा है कि जो करण जौहर है वो भाईजान से डर गए हैं। जी हाँ, वैसे तो कहा जाता है कि करण जौहर किसी से नहीं डरते बल्कि लोग उनसे डरते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि करण जौहर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म करते हैं, गैंगिज्म करते हैं, अपना गैंग चलाते हैं। अगर कोई एक्टर करण जौहर को नाराज कर दे तो उस एक्टर की तो खैर नहीं। चाहे करण जौहर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कितने भी बड़े तिस्मार खान क्यों ना हो, लेकिन भाईजान के सामने करण जौहर की एक नहीं चलती। करण जौहर को भाईजान के आगे झुकना ही पड़ा है। दरअसल करण जौहर की आने वाली फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और इस फिल्म की जो डेट है इसको आगे बढ़ाना पड़ा है ताकि करण जौहर के वजह से भाईजान को कोई दिक्कत ना हो। और ये दूसरी बार है जो करण जौहर ने इस फिल्म के डेट को आगे शिफ्ट किया है। 10 फरवरी को कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा रिलीज होने वाली है, जिसके वजह से करण जौहर ने अपनी फिल्म जो है वो 28 अप्रैल को शिफ्ट कर दिया था। लेकिन अब फिर से करण जौहर ने अपनी आने वाली फिल्म के जो डेट है उसे 2 महीने आगे शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अब ये फिल्म 28 अप्रैल को नहीं बल्कि 28 जून को ये फिल्म रिलीज होगी। और करण जौहर को अपनी फिल्म का डेट इसलिए पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि करण जौहर के सामने खड़ा है भाईजान, क्योंकि 28 अप्रैल को सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज होने वाला है। और उसके अलावा भी ऐश्वर्या राय की फिल्म PS2 जो मनी रत्नम ने डायरेक्ट किया है वो भी सेम टाइम पर रिलीज होने जा रहा है। और इसी के चलते करण जौहर को अपनी फिल्म की डेट को टालना पड़ा, जो कि बहुत ही ज्यादा करण जौहर के लिए दुख की बात है। और सलमान खान ने अनाउंस किया कि वो ईद के टाइम पर किसी का भाई किसी की जान लेके आ रहे हैं। और आपको बता दें ये फिल्म आ रही है 21 अप्रैल 2023 को, और इसके जस्ट एक हफ्ते के बाद ऐश्वर्या राय की फिल्म PS2 रिलीज होने जा रही है। इसीलिए करण जौहर ये दो बड़ी फिल्मों के बीच अपना सैंडविच नहीं बनाना चाहते, और करण जौहर को डर भी है क्योंकि सोशल मीडिया में उन्हें बहुत ज्यादा नफरत झेलनी पड़ती है। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।